हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अरमान मलिक हमेशा कंट्रोवर्सी में बने ही रहते हैं, कभी किसी बात को लेके तो कभी किसी बात को लेके। लेकिन जब से वो बिग बॉस में आए हैं, सबके सामने उनकी पूरी पोलम पट्टी जो है वो खुल के आ गई थी। अब उनके ऊपर एक जो बलात्कार का केस है उसके बारे में भी सबको पता चल गया था। लेकिन जब अदनान बिग बॉस में आए थे और उन्होंने इस बारे में बोला था, तब भी अरमान मलिक ने बहुत बोला था कि भाई चल ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके के केसेस तो लग जाते हैं, मैं फिर भी देख ले बाहर घूम रहा हूँ। और मीडिया ने पायल और कृतिका दोनों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ ये बोला कि ये हमारा पर्सनल मैटर है और हमें अपने कानून पे विश्वास है, इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। और अरमान मलिक से भी पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और इनकी फैमिली की जो है वो कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। पहले दोनों बहनों ने एक दूसरे की पोल खोली, फिर अरमान मलिक की पोल खोली, फिर सरोज और कालू ने मिलके सुनीता और सपना की पोल खोली। तो इनकी फैमिली में ये हमेशा चलता रहता है, ये कभी कॉल पे या आपस में मिलके कोई चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं, ये सीधा सीधा वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई अब हम सोशल मीडिया पे आ गए हैं तो सारी चीज़ें यहीं होनी चाहिए। ये उन ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं जिन्हें इस बात का कुछ पता ही नहीं होता और ये सीधा सा वीडियोस डाल देते हैं एक दूसरे के लिए, और पब्लिक जो है फिर वो तमाशा देखती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और फिर आप कुछ टाइम बाद देखोगे ये फैमिली फिर मिलके रहने लग जाती है। सबसे अजीब बात तो ये है कि सबकी पोलम पट्टियाँ खुल जाती हैं, बिल्कुल शुरू में बोल देते हैं कि अब भाई मरना जीना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब कोई मर भी जाए तो हम नहीं जाएंगे, इस तरीके का इनकी फैमिली में हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम आप देखोगे ये फिर से साथ में हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अब सरोज और कुलदीप की जो है आपस में लड़ाई चल रही थी हस्बैंड वाइफ की। अब कुलदीप बहुत ज़्यादा नशे करता है जिसकी वजह से सरोज इस बार अपना घर छोड़ के आ गई थी और वो 5 महीने से एक रेंट के घर पे रह रही है। इसी बीच में कालू जो है वो सरोज के बर्थडे पे उसको लेने के लिए गए, लेकिन उनको एड्रेस कंफर्म नहीं था तो वो उसके मायके पहुंच गए और मायके वालों ने इतना बोल दिया कि वो अब यहाँ नहीं रहते, हमारे साथ तो नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। और कुलदीप इसी पे चिढ़ के आ गए और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि अब तो मैं आ भी गया था, आज के बाद मैं कभी लेने आऊँगा भी नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ पागल बना दिया इतनी दूर बुला के। इसके बाद से तो इनकी कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा उसने दोनों बहनों को पीसा गया। और अब हो गई है अरमान मलिक की बात। जी हाँ, हिमांशु आपने देखा ही होगा जिसने अपनी बुआ को गाली दी थी। तो सरोज ने कहा कि भाई हाँ मैं बदतमीज़ लेडी हूँ, लेकिन तुम क्या हो, तुम भी तो भाई वही हो ना, तुम तो बलात्कार कर करके घूम रहे हो बाहर, तुम भी तो ऐसे ही हो ना, और आज तो मैं खड़ी हुई हूँ अपने हक के लिए और मेरा बेटा खड़ा हुआ है, अभी तो 4 लोग और आएंगे, 4 बच्चे जो हैं इस घर के वो भी आएंगे अपना हक मांगने के लिए। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये 4 बच्चे और कौन बोल रही है कि 3 बच्चे तो मेरे, 1 बच्चा तो खड़ा हो गया अपने हक के लिए, 2 बच्चे मेरे और 2 सुमित्रा के थे, वो उनको बोल रही है ये कि अभी तो 4 बच्चे और खड़े होंगे वो भी अपना हक मांगेंगे, पहले तेरे भाई ने भी यही किया, अपने बच्चे पैदा कर करके छोड़ दिए तुम्हारे घर के आदमियों ने, और उनको कौन पाल रहा है, सिर्फ और सिर्फ औरतें पाल रही हैं, आदमियों ने तो बच्चे कर करके छोड़ दिए हैं, और ये सब मुझे कह रहे हैं कि मैंने सुमित्रा को इस घर से निकाल दिया। और कुछ लोगों को यहाँ कन्फर्म नहीं होगा कि सुमित्रा कौन है। सुमित्रा मैं आपको बता दूँ कि अरमान मलिक की पहली पत्नी का नाम था सुमित्रा, और उसके साथ अरमान मलिक के 2 बच्चे थे, 1 लड़का और 1 लड़की। तो इन सब बहनों ने कहा था कि भाई सुमित्रा को भी इसने ही घर से निकाला था। तो सरोज ने बोला है कि भाई मैंने घर से नहीं निकाला, मैं तो उसके साथ ही थी, इन सब मिलके इन सब ने प्लानिंग करके सुमित्रा को भी घर से बाहर निकाला है, उसके भी चरित्र पे इन्होंने लांछन लगाए थे तभी वो इस घर से निकली है, वो भी अपने हक के लिए खड़ी हुई थी। और किसने उसको भड़काया था, उसको सपना ने भड़काया था जब पायल हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका बेटा हुआ था चीकू, तब जाके सुमित्रा को पता चला था, ये सपना ने उसे जाके बोला था कि अरमान तो दूसरी लुगाई लेके आ गया है, तब जाके सुमित्रा ने अरमान मलिक को डाइवोर्स दिया था। भाई देखिए
जैसे कि पायल भी कहती आ रही है कि हमारी तो शादी पहले हो गई थी और डाइवोर्स ये दे चुके थे। तो आज सरोज ने वो चीज़ क्लियर कर दी है कि नहीं भाई, इनका डाइवोर्स तो तब हुआ था जब पायल हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब इनका डाइवोर्स हुआ था और सपना ने इस बात को बताया था सुमित्रा को जाके। और सरोज ने कहा कि भाई मुझे तो कोर्ट की केस की गवाही में ले जाते थे, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पहले दबा रखा था कि ये बोलेगी नहीं, और आज हम अपने हक के लिए खड़े हो गए तो मुझे ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन हक कौन सा मांग रही है, किस चीज़ का हक मांग रही है? वो घर इनका ही है जिसे छोड़ के आ गई हैं, भले ये गुस्से में आई हो, अपने पति से नाराज़ होकर आई हो, लेकिन वो इनका ही हक है। अरमान मलिक ने भी जहाँ बोल दिया था कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मुझे उस घर में से कुछ नहीं चाहिए, दोनों बहनों ने बोल दिया था कि भाई वो तुम्हारा घर है, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अपना है। पता नहीं कौन से हक के लिए सरोज खड़ी हो गई है और इसने पोलम पट्टी खोल दी है अरमान मलिक की। इसके साथ साथ इसने बोला है कि हाँ मेरे बेटे ने गलत बोला है, लेकिन जब उस बच्चे ने सीखा ही यही है, और तुम तो मेरे बेटे के लिए बात कर रहे हो, वो तो 18 साल का हो गया है, तब वो गाली गलौज कर रहा है। इस घर का तो एक बच्चा है जो 7 साल का है और अपनी माँ को चोटी पकड़ पकड़ के गाली गलौज करता है, 25-25 साल के आदमियों को गाली गलौज करता है, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना। तो यहाँ ये बात कर रही है चीकू की, जो चीकू है वो 7 साल की उम्र से ही गालियाँ देता है। तो ये चीज़ क्लियर करी है सरोज ने कि वो भी तो गालियाँ देता है ना, मेरा बेटा तो आज 18 साल का हो गया है। अरे भाई, लड़ाई तुम्हारी हो रही है और तुम पीस रही हो पूरी फैमिली को। आज तक उस बलात्कार केस के बारे में इनकी फैमिली में किसी ने भी कोई चर्चा नहीं करी। इनकी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं कि हाँ मुझे कपड़े ऐसे दे दिए, वैसे दे दिए, आज के बाद इनके घर नहीं जाऊँगी, सब कुछ हुआ, लेकिन इस केस के बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला था, ना ही कालू ने बोला। कालू ने अपने चैनल नया चैनल बनाया था तो उसने बोला था कि भाई अगर मुझे कुछ होता है उसका जिम्मेदार अरमान मलिक होगा, इस तरीके की बहुत सारी बातें की, लेकिन कभी भी इस केस के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन सरोज ने भाई आज मुंह उठा के बोल दिया कि इनके ऊपर तो ये केस चल रहे हैं, इनके घर में तो रिवाज है 6-7 लुगाई रखने का, ये लोग मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, इनके घर में खुद तो देख लो ना, 6-6, 7-7 लुगाइयाँ रखते हैं। और जब सपना को अरमान मलिक ने मारा था तब भी वो मेरे घर आ गई थी, तब मेरे घर क्यों आए थे, मैं तो बेकार औरत हूँ ना, फिर मेरे घर क्यों आए थे, आज मेरे बच्चे के लिए बोल रहे हो, कल को 4 बच्चे और खड़े होंगे। तो अरमान मलिक जहाँ तक बोल चुके हैं कि उनकी पहली बीवी से उनका डाइवोर्स हो चुका है, और जो भाई पैसे वैसे थे स्टार्टिंग में उन्होंने दे दिए थे। तो लेकिन सरोज यहाँ कौन से हक की बोल रही हैं, क्या अब वो बच्चे आने वाले हैं या कभी वो आएंगे अपने हक के लिए? क्योंकि जो उनका था वो स्टार्टिंग में क्लियर हो चुका था, अगर उनकी माँ को मांगना था तो वो उस टाइम पे कह सकती थी कि मेरे बच्चों का हक दो। लेकिन अब सरोज गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही है, क्यों उन बच्चों का नाम ले रही है, जबकि वो ना तो सोशल मीडिया पर हैं और ना ही अब अरमान के साथ उनका कोई मतलब ही है, अब तो उनका डाइवोर्स हो चुका है सुमित्रा का, तो सुमित्रा का नाम यहाँ बार बार क्यों लिया जा रहा है जब डाइवोर्स हो चुका है और यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है उन बारे में, और जो उनका हक था शायद वो दे दिया गया है, या तो सरोज अभी भी उनसे कॉन्टैक्ट में है, उनसे बातचीत करती है, तभी तो वो बोल रही है कि 4 बच्चे और खड़े होके आएंगे, वरना बोल सकती थी ना कि भाई 2 बच्चे तो चले ही गए हैं, वो तो अपना हक लेने कभी आएंगे नहीं, लेकिन मेरे बच्चे आएंगे। लेकिन इनने उन बच्चों को भी इंक्लूड किया है कि वो भी अपना हक मांगने आएंगे। लेकिन इस तरीके से इसने सारी चीज़ों को बताया है और सिर्फ अपने पति और पत्नी के झगड़े में पूरी फैमिली की पोलम पट्टी खोल गई है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।